37वीं सब जूनियर बालिका हैंडबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन सारण के बनियापुर प्रखंड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, बनियापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्पूरी ठाकुर सहित जिले के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में भारत से सभी राज्य के खिलाड़ी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि यह प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें देश के तमाम खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से उपस्थित है। के बाद नेशनल एंथम इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, जो दूध दूध मिल रहा है कल गौशाला का है डायरेक्ट, इस अच्छी जगह कोई बात नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रयोगिता के बच्चे बच्चे आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट करें, अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और हैंडबॉल को और ऊंचाइयों पर ले जाने में आप लोगों का बहुत हाथ रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना भाषण का अंत करता हूँ। जय भारत, जय।
विश्व में स्थापित करते हुए नई शक्ति, नई ऊर्जा और शक्तिमान शक्तिशाली देश बनाएंगे। और यह तभी संभव है जब हमारे देश के युवा और युवतियां मुखर होंगे, क्योंकि देश की कर्णधार और देश की बागडोर आपके कंधों पर आने वाली है और ये कंधे मजबूत होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं मजबूत कंधों की, तो केवल पुरुषों नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के मद्देनजर देश की तरक्की और देश का विकास इसी से संभव है। तो देश के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और खेल के विकास के साथ साथ युवाओं के उत्साह और बच्चों को आगे बढ़ाने की इस अभूतपूर्व परिकल्पना के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार और सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन। आशा करते हैं और शुभकामनाएं भी है कि आप सभी अपने जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें, जहां जाए अपने समाज, अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी जिंदगी में अपनी बुलंदियों को हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व में स्थापित करते हुए नई शक्ति, नई ऊर्जा और शक्तिमान शक्तिशाली देश बनाएंगे। और यह तभी संभव है जब हमारे देश के युवा और युवतियां मुखर होंगे, क्योंकि देश की कर्णधार और देश की बागडोर आपके कंधों पर आने वाली है और ये कंधे मजबूत होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं मजबूत कंधों की, तो केवल पुरुषों नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के मद्देनजर देश की तरक्की और देश का विकास इसी से संभव है। तो देश के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और खेल के विकास के साथ साथ युवाओं के उत्साह और बच्चों को आगे बढ़ाने की इस अभूतपूर्व परिकल्पना के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार और सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन। आशा करते हैं और शुभकामनाएं भी है कि आप सभी अपने जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें, जहां जाए अपने समाज, अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी जिंदगी में अपनी बुलंदियों को हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।